mg के बराबर है हाँ बिल्कुल सही बात है फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर है तभी ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें मोशन नहीं है वेयर एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल सही बात है एफ इकॉस टू नॉर्मल फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल के बराबर है वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन ये गलत हो गया ऐसा नहीं हो सकता एफ एफ इक्वल्स टू एन वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन एफ इक्व टू रेस्ट। इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं अच्छा हाँ इस सवाल में देखिए कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट की बात कर रहा है ये तो सही है ये भी सही है एफ इकोस्ट एमजी वेर एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स ये तो सही है एफ इकोस्ट टू एन वेर एन इज द नॉर्मल डेक्शन ये भी सही है एफ विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा क्योंकि यह सेंटर ऑफ मास से ही क्रॉस करेगा कहां से क्रॉस करने वाला है सेंटर ऑफ मास से ही तो ये बात भी सही है इसमें से गलत कौन हो गया एन विल नॉट सेंटर ऑफ मास कर पाएगा एन तो करेगा ही ना ये ऐसे चाहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क यहाँ से लगेगा हा या ना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नीचे तो एन का टॉर्क तो लगेगा भैया तो ये कह रहा है कि नहीं लगेगा तो ऑप्शन डी इज द क्या हो गया ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन सही है पर ऑप्शन डी क्या है गलत इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बात समझ में आ रही है ठीक है यहाँ छोटा छोटा दिखा देता हूं ये 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 सही है और ये गलत है इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें इन करेक्ट पूछा है